मित्रों नमस्कार, मैं पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान में आर्टिकल 35A और 370 का क्या महत्व है और ये दोनों आर्टिकल वर्तमान में कॉन्स्टिट्यूशन से समाप्त करते हुए पूरे भारत में हमारे भारत का संविधान लागू कर दिया गया है। तो इसमें स्पेशल जो प्रोविजन थे आर्टिकल 370 के, उसके बारे में मैं बतलाता हूँ। और 35A क्या था? आर्टिकल 35A आर्टिकल के रूप में न होकर एक अपेंडिक्स के रूप में होता था। इसके पहले इसका इतिहास भी मैं आपको बतलाता हूँ। 26 अक्टूबर 1947 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हरि सिंह के बीच में एक एक्सेशन साइन हुआ था, दस्तखत हस्ताक्षर हुए थे। इसके बाद 17 अक्टूबर 1949 को ये आर्टिकल 370 को इनकॉर्पोरेट किया गया था। 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत का संविधान एडॉप्ट किया गया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 1 के रूप में इंडिया का स्टेट डिक्लेयर किया गया तथा आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर का टेम्परेरी स्टेटस के रूप में दिया गया। टेम्परेरी प्रोविजन था ये। इसके अलावा 14 मई 1954 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा आर्टिकल 35A के बारे में बतलाता है। ये 35A अपेंडिक्स के रूप में है कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 35A का कहीं उल्लेख नहीं है, ये एक अपेंडिक्स के रूप में है, अर्थात छिपाव ये किया गया है, या ये समझ लें कि अलग से रखा गया इसको। इसमें कौन व्यक्ति जम्मू एंड कश्मीर का रेजिडेंट होगा ये आर्टिकल 35A बताता है, और जम्मू कश्मीर में रहने वाले जो भी रेजिडेंट थे उनको स्पेशल प्रिविलेज देता था। 1947 से 1999 के बीच काफ़ी चेंजेस हुए। इसके अलावा 1990 में जम्मू एंड कश्मीर में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर फोर्सेस को वहाँ लगाया गया, क्योंकि वह डिस्टर्ब्ड एरिया था। इसके बारे में मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है। मित्रों, जून 2018 में गवर्नमेंट ने अलायंस तोड़ दिया, और 2015 में जो अलायंस हुआ था उसमें बीजेपी और ट्रिपल पी के साथ गवर्नमेंट फॉर्मेट हुई थी। इसके अलावा मई 2019 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट सेंट्रल में आई तो उन्होंने 35A आर्टिकल 35A और 370 को समाप्त करने का हटाने की बात कही। आर्टिकल 370 पहले आया था, इस कारण पहले हम आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370 की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य के लिए ये स्पेशल स्टेटस के रूप में टेम्परेरी प्रोविजन था, ट्रांजिशनल टेम्परेरी प्रोविजन के रूप में। वो एप्लीकेबल जो सारे भारत में लागू होते थे वहाँ पर वो एप्लीकेबल लॉज नहीं होते थे। और आर्टिकल 370 को रिमूवल के लिए प्रेसिडेंट को भी वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली थी उनकी परमिशन की जरूरत उनके साथ होती थी, तभी वो प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली से परमिशन लेनी पहले आवश्यक थी। क्योंकि ये प्रोविजन 1957 में ही कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का समाप्त हो चुका था, ऐसी स्थिति में ये बात जम्मू कश्मीर के 370 को समाप्त करने वाली लागू नहीं हो सकती थी। आर्टिकल 35A में 1954 में हमारे भूतपूर्व जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने एक ऑर्डर प्रेसिडेंशियल निकाला था जिसमें 35A को जो लॉज पूरे देश में एप्लीकेबल थे वहाँ वो एप्लीकेबल नहीं थे, और 35A में जम्मू कश्मीर में कौन कौन से लोग वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट होंगे इस बारे में व्यवस्था थी। इसमें चार पांच चीज़ें थी। परमानेंट रेजिडेंट के लिए जो आर्टिकल 35A में 1954 से जो लोग वहाँ रह रहे थे वो वहाँ के नागरिक माने गए। बहुत सारे प्रिविलेजेस में उन्हें मिलते थे, विशेष रूप से उन्हें सुविधाएं मिलती थी। 10 वर्ष से जो वहाँ निवास कर रहे थे या जम्मू कश्मीर में जिनकी प्रॉपर्टी थी लीगली जिन्होंने एक्वायर की थी वो वहाँ उनको लाभ मिलते थे। राइट टू वोट का उनको वहाँ अधिकार था। वुमन्स आउटसाइडर से अगर शादी कर लेती थी तो उनके भी राइट शादी करने के बाद ख़त्म हो जाते थे। इस प्रकार जम्मू एंड कश्मीर का जो डेवलपमेंट था वो बिल्कुल सीमित होकर रह गया था, और लैंड भी वहीं के लोग ले पाते थे या ले सकते थे। बाहर के लोगों को जाने के बाद बहुत सारे इसमें नुकसान थे, इस कारण वहाँ कोई भी डेवलपमेंट का कार्य नहीं हो पा रहा था। मैं ये भी बताता हूँ कि ये जो लिमिटेशंस लगे हुए थे इन सब के लिए आर्टिकल 35A और 370 को समाप्त करना आवश्यक था। अगस्त 2019 में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर हमारे वर्तमान प्रेसिडेंट महोदय रामनाथ कोविंद द्वारा निकाला गया,
जिसमें 1954 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था उसको उन्होंने रिप्लेस और सुपरसीड करते हुए आर्टिकल 370 और 35 ए को खत्म करने की व्यवस्था दी, और इसमें जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था कि वहीं के लोगों को जो फायदे मिल रहे थे सभी लोगों को वो फायदे मिले इसमें ये व्यवस्था दी गई। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट संसद में लाया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की परमिशन की इसमें जरूरत नहीं थी क्योंकि वो डेडलॉक के जरिए कॉन्स्टिट्यूशनल जो पुराना वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की परमिशन आवश्यक थी उसे समाप्त किया जा चुका था, खत्म कर दिया गया था। ऐसी स्थिति में न्यू यूनियन टेरिटरी से बनाई गई और जम्मू कश्मीर के संबंध में जो विशेष स्पेशल प्रोविजन टेम्परेरी प्रोविजन थे 370 वगैरह में वो समाप्त करते हुए 35 ए को, और इनमें लद्दाख को रखा गया। लद्दाख में विदाउट लेजिस्लेचर वहाँ की असेंबली होगी तथा जम्मू कश्मीर की विथ लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी। अब इनके अंदर एक सिंगल सिटीजनशिप होगी, जो भारत का कोई भी नागरिक है उसको एकल नागरिकता का अधिकार होगा। वुमेन्स का जो डिस्क्रिमिनेशन था कि वो बाहर के लोगों से शादी कर लेती थी तो उनका अधिकार समाप्त हो जाता था, वो व्यवस्था भी समाप्त कर दी गई, ये बाधाएं समाप्त हुई। पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों के सारे राइट्स उनको अब मिलने लगे, बाहर के लोग भी वहाँ किसी भी तरह का धंधा आदि कर सकते हैं। पूरे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल जो भारत का संविधान है वो लागू होता है, वही भारत का संविधान जम्मू एंड कश्मीर में लागू होगा। पूरे देश की जो इंटीग्रिटी डेमोक्रेसी की बाधा थी वो समाप्त हो गई, सिंगल सिटीजनशिप मिली, एक ही झंडा जो भारत का है वो होगा, जम्मू कश्मीर के झंडे को अब नहीं मान्यता दी जाएगी। तो इस प्रकार के जो डेडलॉक थे और इसमें स्पेशल प्रोविजन के तहत जो मनमानी प्रावधान पुराने रखे गए थे उन सबको आर्टिकल 35 ए और 370 को समाप्त करते हुए ये व्यवस्था नई दी गई है, और इस बीच में वहाँ पर काफ़ी दिन तक इमरजेंसी जैसे प्रोविजन रखे गए आर्टिकल 35 ए और 370 को समाप्त करने के लिए। धारा 144 लगाई गई, मिलिट्री फोर्स लगाया जा और जो विपक्षी नेता थे उन्हें नज़रबंद किया गया। आम शांति अमन शांति से ये सारे प्रावधान इस गवर्नमेंट ने लाए। इस प्रकार आर्टिकल 35 ए और 370 के प्रावधानों को समाप्त करते हुए संपूर्ण भारत का एक अंग जम्मू एंड कश्मीर को माना गया, जैसा कि हर अधिनियम में लिखा रहता था कि वह अधिनियम एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एप्लीकेबल होगा, वो प्रावधान भी समाप्त हो गया। अधिकांशतः अधिनियम जम्मू भारत के साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर पर भी सभी अधिनियम लागू होने की व्यवस्था दी गई। तो इस प्रकार मैंने आर्टिकल 35 ए और आर्टिकल 370 के संबंध में संक्षेप में आपको बताया। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको सरलता से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार मित्रों।